हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय यूनिवर्सिटी का मामला एक बार फिर से सियासी फिजा में गूंज रहा है। एसएफआई ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस और बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया है और साथ ही कहा है कि इन दोनों की राजनीति के चलते सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण नहीं हो पा रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय का जिन बाहर आ गया है और इस जिन को बाहर निकाला है एसएफआई ने। एसएफआई का आरोप है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ सियासत कर रही है। हायर एजुकेशन के अंदर इतना महत्वपूर्ण संस्थान है, इस संस्थान के लिए आप भवन निर्माण के लिए, इसका स्थायी कैंपस के निर्माण के लिए आप जो है वो पिछले 7 सालों से जो है जमीन मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है और इसके ऊपर सरकारों को, प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को बिल्कुल संजीदगी के साथ जो इसके अंदर इंटरवेंशन करनी चाहिए। एसएफआई का आरोप है कि 2009 में यूजीसी ने ग्यारहवें प्लान के तहत विश्वविद्यालय को स्थापित करने की घोषणा की थी, लेकिन 2012 तक बीजेपी और कांग्रेस ने इस पर कुछ काम नहीं किया। उसमें प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 2009 से लेकर 2012 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने देहरा के अंदर इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर जमीन चयनित की थी। उसके बाद 2012 से लेकर 2017 तक जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस सरकार ने जो है वो धर्मशाला के अंदर जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय की कैंपस के निर्माण के लिए जमीन जो है वो उसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन अभी तक इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थायी भवन का निर्माण यहाँ हो नहीं पाया है। एसएफआई की मांग है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण जल्द होना चाहिए ताकि छात्रों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही एसएफआई का ये भी कहना है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण एक ही स्थान पर हो। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला।